हेलो फ्रेंड्स, दिया और मम्मा की रसोई में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो आज जीरो ऑयल की सीरीज के डे 14 पे आज मैं बना रही हूँ ड्रम स्टिक के पत्तों की और कॉर्न की सब्जी, साथ में दाल, पापड़, कद्दू की चपाती, साथ में मैंने बनाया राइस और बहुत ही स्पेशल खीर, साथ में है मौसमी और सैलेड में है खीरा। तो ये बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी थाली है और आप यकीन मानिए आपने ये रेसिपी पहले कहीं नहीं देखी होगी, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और कमेंट करके मुझे बताना बिल्कुल ना भूलें। तो जैसे कि ड्रम स्टिक में आपको पता ही है कि ड्रम स्टिक की जो लीव्स होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होती हैं, पर खाने में हल्का सा बिटरी टेस्ट होता है, तो उसको कैसे हम ओवरकम करेंगे और उसके क्या क्या फ़ायदे हैं ये मैं वीडियो में आगे आपको बताती रहूँगी। ड्रम स्टिक के पत्ते जो होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा कैल्शियम, प्रोटीन और जाने कितने तरह के मिनरल्स होते हैं, तो ये ज़रूर हमें अपनी लाइफ में ऐड करने चाहिए और ये इजीली मिल जाते हैं, तो इनको ज़रूर आप अपने डेली लाइफ में एंजॉय कीजिए। तो चलिए देर ना करते हैं, देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें क्या क्या चाहिए। तो ये देखिए, मैंने यहाँ पर फ्रेश मोरिंगा की पत्तियाँ ली हैं, ये बिल्कुल सॉफ्ट हैं। आपने ध्यान रखना है बिल्कुल सॉफ्ट वाली पत्तियाँ ही लेनी है, ज़्यादा पुरानी पत्तियों का यूज़ बिल्कुल ना करें, वो बहुत ज़्यादा कड़वी होती है। साथ ही मैंने ये दो कॉर्न लिए हैं, इनको मैंने नमक डालकर सीटी लगा दी है और ये बॉयल हो गए हैं। तो अब हम इसकी सॉफ्ट पत्तियों को अलग कर लेंगे, तोड़कर डंडियां बिल्कुल भी नहीं यूज़ करेंगे, साथ ही कॉर्न को भी अलग करेंगे। तो ये देखिए, ये मैंने डंडियां हटाकर पत्तियां अलग कर ली हैं और ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हैं। साथ ही मैंने इसी तरीके से कॉर्न को भी अलग कर लिया। अब हम देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या मसाले चाहिए। तो यहाँ मैंने प्याज लिया है, साथ में कुछ काजू के पीस लिए हैं, थोड़ी सी प्याज, एक कली लहसुन की और 1 इंच अदरक का टुकड़ा लिया है। इसे हम बॉईल करके इसकी प्यूरी बनाएंगे। साथ ही मैंने कुछ बेसिक मसाले लिए हैं जिसमें धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, लाल मिर्च पाउडर, सेंधा नमक और घर का बना हुआ गर्म मसाला। इसके साथ ही मैंने एक फ्रेश पुदीने के पत्ते लिए हैं, साथ ही मैंने लहसुन और अदरक को बारीक चॉप कर लिया है। इसके साथ ही मैंने कसूरी मेथी ली है, साथ ही जीरा लिया है और भुने हुए जीरे का पाउडर लिया है, यानी रोस्टेड जीरा पाउडर। साथ ही मैंने एक प्याज और एक कली लहसुन को भी पीस कर रखा है और टमाटर की एक प्यूरी बनाई है। तो ये बेसिक चीज़ें हैं, अब हम स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हमने जो बेसिक मसाले लिए हैं उसमें पानी डालकर उसे भिगा देंगे ताकि ये फूल जाए और इसका जब हम इसे कुक करें तो ये जले ना और इसका बहुत ही अच्छा फ्लेवर आए सब्जी में। तो सबसे पहले एक कढ़ाई ले लेंगे और इसमें डालेंगे हम थोड़ा सा पानी और इसमें हम जो हमने काजू, लहसुन, अदरक और प्याज लिया था इसको डालकर इसको थोड़ा बॉईल कर लेंगे। ऐसा करने से हमारी बहुत ही अच्छी ग्रेवी बनकर तैयार होगी और ये ग्रेवी हमारे जो पत्ते हैं उनके जो एक हल्की सी बिटरनेस होती है उसको बैलेंस करेगी। तो ये देखिए, हमारे ये सभी बॉयल हो गए हैं। अब हम इसे निकाल कर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। पीसते समय हम इसमें थोड़ा सा दूध डाल देंगे। अब हम एक कढ़ाई में गरम करके उसमें डालेंगे जीरा और इसे अच्छे से रोस्ट करेंगे जब तक ये अच्छी खुशबू ना आने लगे। तो ये देखिए, इसमें जैसे ये चटकने लगेगा, इसे उछलने लगे, तो समझ जाइए कि बस आपका जीरा भुन गया है। अब हम इसमें डाल देंगे हींग, हींग का भी बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और अब इसको हम कढ़ाई को थोड़ा नॉर्मल करने के लिए डाल देंगे पानी। ऐसा करने से जब हम इसमें प्याज की प्यूरी डालेंगे तो वो जलेगी नहीं, क्योंकि हम ऑयल का यूज़ बिल्कुल भी नहीं कर रहे हैं, तो आप ऑयल की जगह थोड़ा सा पानी डाल दें। और अब हम इसमें डाल देंगे प्याज और इसे लगातार चलाते हुए गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखेंगे ताकि हमारी प्याज आराम से कुक हो और वो जले ना। तो इसका कलर चेंज होने तक हम इसे भून लेंगे। तो आप देखेंगे लगभग 3 से 4 मिनट लगेंगे आपको और इसका कलर चेंज हो जाएगा। तो ये देखिए, हमारी प्याज का कलर चेंज हो गया है। तो बस इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे टमाटर की प्यूरी और इसे भी अच्छे से 3 से 4 मिनट तक कुक करेंगे जब तक कि इसका पानी ना सूख जाए। साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे लहसुन जो हमने बारीक कट किया था वो, और अदरक। इससे हमारे जो प्यूरी है इसमें बहुत ही अच्छा फ्लेवर ऐड होता है और ये अच्छे से कुक भी हो जाएगा। तो ये देखिए हमारे, और इस जब तक ये कुक हो रहा है तब तक मैंने इसमें दूध डालकर इसका भी पेस्ट बना लेंगे। तो ये देखिए, मैंने पेस्ट बना लिया है, तो इसको अलग रखेंगे। और अब हम वापस अपनी प्यूरी पर चलते हैं। तो ये देखिए, हमारी प्यूरी भी लगभग कुक हो गई है। तो बस इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने मसाला भिगा के रखा था उसे, और इसे भी धीमी आंच पर लगातार चलाते हुए 3 से 4 मिनट तक हम कुक करेंगे ताकि जो हमारे मसाले हैं वो अच्छे से कुक हो जाए, उसका जो कच्चापन है वो पूरी तरीके से निकल जाए। तो बस इसमें हम थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे ताकि ये जले ना और बहुत ज़्यादा ड्राई ना हो। तो बस इस तरीके से हम इसको लगातार चलाते हुए थोड़ी देर कुक करेंगे।
और आप देखेंगे थोड़ी देर में हमारे मसाले अच्छे से भुन जाएगा। तो ये देखिए हमारा मसाले अच्छे से प्रॉपरली कुक हो गया है, ये देखिए इसमें उबाल आने लग गया है। तो बस इस स्टेज में हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने प्याज काट करके रखे हुए थे उन्हें, और इसे भी हम मसाले में प्रॉपरली मिक्स करेंगे ताकि इसमें फ्लेवर आए। और साथ ही हमने इसमें ऐड कर देना है जो हमने मोरंगा की पत्तियाँ अलग करके रखी थी, ये मैंने चॉप नहीं की है, इसको मैंने बस थोड़ी सी पत्तियों को हल्का सा हाथों से तोड़ दिया है, बाकी पूरा फुल पत्तियों का मैंने लिया है। ऐसा करने से हमारे जो मोरिंगा की पत्तियों का जो न्यूट्रिशन वैल्यू है वो बनी रहती है। तो आप चाहें तो इसे काट सकते हैं, मैंने नहीं कट किया है। और अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने कॉर्न निकाल कर रखा था उसे, और इसको भी हम मसाले के साथ प्रॉपरली मिक्स करेंगे ताकि ये प्रॉपरली इसमें अच्छे से फ्लेवर आए। तो आप देखेंगे थोड़ी ही देर में ये जो मोरंगा की जो पत्तियां हैं वो कुक होने लगेंगी और श्रिंक होने लगेंगी, और ये देखिए ये थोड़ा श्रिंक हो गई है। तो बस इस स्टेज तक हम इसे लगातार चलाते हुए कुक करेंगे ताकि ये नीचे ना जले। तो बस अब हम इसमें ऐड कर देंगे थोड़ा सा पानी। पानी ऐड करने से जो हमारी पत्तियां हैं उसको अच्छे से कुक होने में हेल्प मिलेगी। और अब हम इसे लगभग ढाक कर 7 से 8 मिनट तक कुक करेंगे। तो ऐसा करने से हमारी जो वेजिटेबल है उसमें मसाले का फ्लेवर बहुत अच्छा आएगा। ध्यान रखिएगा आपने बिल्कुल स्लो रखना है गैस को, और बीच बीच में इसको इस तरीके से चला देना है और चेक करना है कि कहीं मसाला और जो हमारा वेजिटेबल है वो नीचे कढ़ाई में लग ना रहा हो। अगर लगे तो इसमें आप पानी ऐड कर दीजिएगा। तो हाँ, आपने ध्यान रखना है कि इसमें बॉयल पानी यूज करना है, इसमें ठंडा पानी आप बिल्कुल भी ना डालें। तो बस अब हम इसे फिर से ढक कर लगभग 4 से 5 मिनट और कुक करेंगे। तो बस ये देखिए हमारी जो वेजिटेबल है वो पूरी तरीके से कुक हो गई है, पानी भी लगभग पूरा सूख ही गया है। तो बस हमें इसको इतना ही कुक करना था। तो अब हम इसमें ऐड करेंगे जो हमने प्यूरी बनाई थी काजू और प्याज लहसुन अदरक की, उसे और उसे भी हम अपनी वेजिटेबल में प्रॉपरली मिक्स करेंगे। इससे हमारी वेजिटेबल को एक बहुत ही अच्छा क्रीमी फ्लेवर मिलेगा और साथ में इसका न्यूट्रिशन वैल्यू भी बढ़ जाएगी। तो इसे ज़रूर ऐड कीजिएगा। और जो हमारी मोरंगा की पत्तियों में थोड़ा सा कड़वापन या कसैलापन होता है उसको ये बहुत अच्छे से बैलेंस करेगा। तो कॉर्न का हल्का सा मीठापन है और काजू का एक अलग सा टेस्ट है, तो ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी, और मोरंगा की बिना ऑयल की सब्जी है तो हेल्दी तो है ही। तो बस अब हम इस स्टेज में इसमें ऐड कर देंगे भुने हुए जीरे का पाउडर, इसका बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे बारीक कटा हुआ धनिया और पुदीने के पत्ते, ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया। और इसके बाद हम इसमें ऐड कर देंगे रोस्ट की हुई कसूरी मेथी को हाथों से इस तरीके से रब करते हुए, और इन सभी को प्रॉपरली अपनी सब्जी में मिक्स कर देंगे। और इसके बाद हम इसमें लास्ट में ऐड करेंगे नींबू का रस, तो इसका एक बहुत ही अच्छा फ्लेवर आएगा, हल्का सा खट्टापन लगेगा। तो यहाँ मैंने नींबू का रस भी इसमें ऐड कर दिया। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी ड्रम स्टिक के पत्तों की सब्जी बनकर पूरी तरीके से तैयार हो गई है। ये देखिए ये बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, और आप देख ही सकते हैं ये लग ही नहीं रहा है कि हमने इसमें एक बूंद भी ऑयल का यूज़ नहीं किया है। तो ये हमारी सब्जी बनके तैयार हो गई। हम नेक्स्ट रेसिपी पे चलते हैं। तो यहाँ मैंने बना रही हूँ खीर, तो इसके लिए मैंने ये चावल लिए हैं, ये नॉर्मल जो हम घर पे चावल बॉईल करते हैं बस वही चावल है। साथ में मैंने ली है आटा सेमई, इसके साथ ही मैंने काजू और बादाम को बारीक चॉप कर लिया है। साथ में मैंने मिश्री का पाउडर लिया है, ये धागे वाली मिश्री को मैंने पीस लिया है। इलायची और केसर के कुछ धागे मैंने दूध में भिगा के रखे हैं, तो ये केसर और इलायची का फ्लेवर रहेगा इसमें। तो सबसे पहले हम जो हमने बॉइल्ड राइस लिया था उसको मिक्सी के जार में डालेंगे, साथ ही हम इसमें ऐड करेंगे मिश्री का पाउडर, और इसमें थोड़ा सा दूध डालकर इसका एक पेस्ट बना लेंगे। इसमें से थोड़े से काजू भी हम इसमें ऐड कर देंगे और इनका एक बारीक पेस्ट बनाकर तैयार कर लेंगे। तो ये देखिए हमारा पेस्ट भी बनकर तैयार हो गया। अब हम लेंगे एक कढ़ाई, और इसमें हम जो हमने आटा रोस्टेड सेमई ली है इसे हल्का रोस्ट कर लेंगे। ऑलरेडी रोस्टेड है तो ये देखिए बहुत जल्दी रोस्ट हो जाएंगे और इसमें से अच्छी खुशबू आने लगे, बस इतना ही हमें इसे कुक करना है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे दूध। दूध हमें इतना ऐड करना है कि ये हमारी सेमई पूरी तरीके से डिप हो जाए। तो ये देखिए, और अब हम इसमें ऐड कर देंगे काजू और बादाम, इस जिसे हमने पहले से चॉप करके रखा था, और अब इसको प्रॉपरली मिक्स करते हुए लगभग एक उबाल आने तक हम
बॉयल होने देंगे। जैसे ही उबाल आ जाता है, ये देखिए अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने पेस्ट बनाकर तैयार किया था चावल का और मिश्री और थोड़े से काजू का वो। और जैसे ही आप इसमें चावल का पेस्ट ऐड करेंगे ये तुरंत ही गाढ़ी होने लगेगी। तो आपने ध्यान रखना है, अब हम इसे लगातार चलाते रहेंगे, बिल्कुल भी नहीं रोकना है और ये बस 2 से 3 मिनट में ही एकदम गाढ़ी और क्रीमी हो जाएगी क्योंकि राइस जल्दी से फूलने लगेगा। तो ये देखिए हमारी खीर लगभग गाढ़ी हो गई है। ये देखिए हमने इसमें सेमई और राइस का यूज़ किया है तो ये बहुत जल्दी थिक हो जाएगी। तो ये देखिए एकदम गाढ़ा होने लग गया है। अब हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने केसर भिगा के रखा था दूध में उसे, इससे बहुत ही अच्छा कलर और फ्लेवर आएगा। तो बस इसे भी हमें अपनी खीर में मिक्स कर देना है और साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे इलायची का पाउडर। तो ये हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी खीर भी बनकर तैयार हो गई है। तो अब हम चलेंगे नेक्स्ट रेसिपी पर। तो नेक्स्ट हम बना रहे हैं दाल। तो यह मैंने बॉयल दाल ली है, इसमें मैंने टमाटर और लहसुन डाल के बॉयल किया है। अब हम इसमें डाल देंगे धनिया और पुदीना के पत्ते, साथ में बारीक कटा हुआ प्याज, भुने हुए जीरे का पाउडर और नींबू का रस। तो सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे धनिया और पुदीने के पत्ते, नेक्स्ट प्याज और नेक्स्ट हम इसमें डालेंगे भुने हुए जीरे का पाउडर और एक अच्छा सा खट्टापन देने के लिए थोड़ा सा नींबू का रस। तो ये हमारी बॉयल दाल भी बनकर तैयार हो गई है। ये तड़के वाली दाल से भी ज़्यादा टेस्टी लगती है और खाने में उससे कई गुना ज़्यादा फायदा करती है। तो आप इसे ज़रूर एक बार ट्राई कीजिएगा और अगर आप ये गरम गरम बनाकर खाएंगे तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है। नेक्स्ट हम इसमें आज बना रहे हैं खीरे का सैलेड। तो ये देखिए मैंने खीरे को भी चॉप कर लिया है और हम यहाँ पे मौसमी का ले रहे हैं फ्रूट्स में। तो ये हमारी मौसमी हमने इस तरीके से छील लिए। तो अब हम करेंगे अपनी प्लेटिंग। तो यहाँ मैं आज केले के पत्ते पर प्लेटिंग कर रही हूँ, तो इसको हम थोड़ा सा पानी डालकर कपड़े से अच्छे से पोंछ लेंगे। मैंने ऑलरेडी केले के पत्ते को एक बार धो लिया था। इसमें ऐड कर देंगे हमने कद्दू की जो चपाती बनाकर तैयार करी थी उसे, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे पापड़ और पापड़ के बाद हम इसमें ऐड करेंगे बॉयल दाल जो हमने अभी बनाकर तैयार करी थी वो। नेक्स्ट हम इसमें ऐड करेंगे जो अभी हमने मोरंगा के पत्ते की सब्जी बनाकर रखी थी वो। नेक्स्ट हम इसमें ऐड कर देंगे जो हमने राइस बनाया है उसे, तो राइस को हम इस तरीके से कटोरी में सेट करके रखेंगे डायरेक्ट पत्ते पर। नेक्स्ट हमारा सैलेड है और इसके बाद है यहाँ पर मौसमी फ्रूट्स में। तो ये हमारी बहुत ही सिंपल और बहुत ही हेल्दी, साथ ही हम इसमें ऐड कर देंगे खीर, ये तो मैं भूल ही गई थी। तो बस ये हमारी बहुत ही टेस्टी और बहुत ही हेल्दी थाली बनकर तैयार है एंड आई होप आपको ये बहुत पसंद आए। और हाँ, अगर आप अपने महीने में केवल 7 दिन भी इस रेसिपीज़ को ट्राई करते हैं तो आपको खुद ही इसके चेंजेस समझ में आएंगे। अगर आप वेट लूज करना चाहते हैं, डायबिटीज़ के पेशेंट, हार्ट के पेशेंट, हर एक व्यक्ति इसको इंजॉय कर सकता है और यकीन मानिए ये खाने में बहुत टेस्टी होती है। तो एक बार इन रेसिपीज़ को आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि इन्हीं तरह के हम बहुत सी रेसिपीज़ को मैं आपके लिए लेकर आऊँगी और आपको वो पसंद आए। तो चलिए देर न करते हुए ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।